है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग के परिवारों को जिनकी आय 18 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है होम लोन के ब्याज में छूट दी जा रही है। ये पहली बार हुआ है। इस योजना के तहत घर खरीदने वालों को 5-5.5 लाख रुपए और अभी जगह बताते थे 6-6.5 लाख रुपए तब की उसकी बचत होने वाली है। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर बने और उसके बजट में 6-6.5 लाख रुपए बच जाए, मध्यम वर्ग की जिंदगी की बहुत बड़ी ताकत होती है। पिछले वर्ष ही हमने LIG और MIG के तहत आने वाले घरों का साइज भी बढ़ा दिया है। साथियों, मध्यम वर्ग के बहन भाई, विशेष तौर पर हमारे युवा साथी अपने घर के सपनों को पूरा करें, इसके लिए हाल में बजट में कुछ बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया है। इससे युवा साथी अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में अपना घर खरीदने के लिए और अधिक प्रोत्साहित होंगे। टैक्स माफ होने का घाटा सरकार को हुआ लेकिन फायदा आपको हुआ है, लेकिन ताली आपकी दम वाली नहीं है। ये दम वाली क्यों नहीं थी, ये ताली दम वाली क्यों नहीं थी, उसका कारण है क्योंकि आप 5-5 लाख की रेंज के बाहर है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि 5 लाख जाने से उसका जो पैसा बचा है वो घर खरीदने में जाने वाला है, वो आपकी झोली भरने वाला है। ठीक से समझ आ गया? पक्का? मैं आपके बिजनेस में आने वाला नहीं हूं, कॉम्पिटिटर नहीं हूं, चिंता मत करो। पहले 1,80,000 तक के किराए पर टैक्स नहीं कटता था, लेकिन अब यह बढ़ाकर 2,40,000 कर दिया गया है। फिर ताली में दम नहीं है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया, आपको किसी ने समझाया नहीं कि इस बजट ने ये हाउसिंग इंडस्ट्री वालों को कितना फायदा किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को खुद को समझाना पड़ रहा है। अच्छा, आप समझ आया क्या? अगर उसको टैक्स फ्री किराया गिना जाएगा तो उसको नया मकान बनाना, ज्यादा मकान बनाना, किराए पर देना उसके लिए एक व्यवसाय का हिस्सा बन जाएगा। वो मकान कौन बनाएगा? वो बनाएगा क्या? वो मकान किससे खरीदेगा? मोदी से खरीदेगा क्या? अच्छा हुआ मैं आप लोगों को मिला नहीं होता, मैं तो यही मानता था कि मेरा बजट तो सबको समझ आ गया। संसद में हमें तकलीफ होती थी समझाने में, इसके अलावा जो परिवार अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए 2 घर खरीदते थे उनके अनुमानित किराए पर पहले इनकम टैक्स देना पड़ता था, अब इनकम टैक्स देना नहीं होगा। इसका मतलब क्या मालूम?
आपको इतना ही मालूम है जीएसटी का क्या हुआ। आपका कांटा जीएसटी में ही अटका हुआ है। इसी तरह जो लोग पुराने घर के बदले यानी पुराना घर बेच देते हैं, पैसे आते हैं, उनको लगता है कि अब उस जगह पे हैं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे, थोड़े दूर जाएंगे तो सस्ते में घर मिल जाएगा, और फिर सोचते बच्चे बड़े हो रहे हैं तो एक घर से नहीं चलेगा तो दो चाहिए, तो एक घर ज़्यादा कीमत में बेच करके बदले दो छोटे नए घर बनाते हैं, खरीदना चाहते थे। अब उनको भी टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी गई है। अब कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए लोग घर की बिक्री से मिली रकम को एक की जगह दो घरों में लगा सकते हैं। अब तक घर की बिक्री से मिली रकम को साल भर के भीतर दूसरे घर को खरीदने पर कैपिटल गेन टैक्स से छूट सिर्फ एक घर पर मिलती थी, वो अब दो घरों पर मिलने वाली है। अभी आपका काम है कि जहां पर आप पुराना बंगलो लेकर के फ्लैट की स्कीम रखते हो उसको समझाओ। मुझे इस एडवाइस का कोई टैक्स नहीं लगेगा, चिंता मत कीजिए। साथियों, हर भारतीय के अपने घर के प्रति हमारे इसी आग्रह में आपसे जुड़े सेक्टर का भी उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। भारत में तेजी से न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है। देशवासियों के सपने और आकांक्षाएं अभूतपूर्व ऊंचाई पर हैं। इन सपनों की शुरुआत अपने घर से ही होती है, जिसका जिम्मा आप सभी के पास है। सारे दुनिया के रिपोर्ट आपने पढ़े होंगे कि भारत में बहुत तेजी से लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, और जो न्यू मिडिल क्लास है उसके एस्पिरेशंस बहुत होते हैं। अब आप उसकी साइकी और परिस्थिति को समझ करके अपनी स्कीम लेकर के जाओगे। मैं आपको कहता हूं, आपको मालूम होगा निर्मा का उदाहरण, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उसने सस्ता साइकिल पर बेच करके ऐसा साबुन पाउडर बना दिया, डिटर्जेंट, उसने सारों मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का मार्केट कब्जा कर दिया, मल्टीनेशनल को चैलेंज कर दिया था। ये आपके लिए वक्त है कि अब आपकी स्कीम का टारगेट ये न्यू मिडिल क्लास होना चाहिए, और अगर मेरी बिजनेस एडवाइस गलत निकले तो मेरे बैंक खाते में जो कुछ भी है वो आपका। मुझे मालूम है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। आप उस न्यू मिडिल क्लास, उसकी एस्पिरेशंस को समझिए, अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को, बिजनेस स्ट्रेटेजी को उससे जोड़िए। मैं विश्वास से कहता हूं कि आपकी दो साल पांच साल पुरानी भी कंपनी क्यों ना होगी, आप 10-20 साल वालों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है।